इस लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, इस लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश यादव मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे काउंसलिंग के लिए जो 10,000 रुपये लगे थे उसकी लिस्ट RHS की वेबसाइट पर डाल दी गई है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट को रिफंड नहीं हुआ, तो उनकी क्या वजह रही है रिफंड नहीं होने की और उनको रिफंड होगा या नहीं होगा, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी बच्चे इस पर पोस्ट भी नहीं कर पाए थे तो मैं उनके बारे में भी डिस्कस करूँगा कि उनको क्या करना चाहिए। आप ये कमेंट जरूर करना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आपको रिफंड हुआ या नहीं हुआ। यदि रिफंड हुआ है तो आप लिखना कि सर मुझे रिफंड हो गया है, मैंने इतनी तारीख को स्पीड पोस्ट किया था। यदि रिफंड नहीं हुआ है तो आपको लिखना है मैंने स्पीड पोस्ट कर दिया है लेकिन मुझे रिफंड नहीं हुआ, मैंने इतनी तारीख को स्पीड पोस्ट किया था। जैसे ही आप RHS की मेन वेबसाइट पर जाओगे तो आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें जो 4th नंबर पे है लिस्ट ऑफ रिफंड ऑफ नर्सिंग काउंसलिंग सेशन 2019-20 लॉट फर्स्ट BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक PDF फाइल मिलेगी, उसमें आपको अपना नाम देखना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और साथ ही डिस्कस करेंगे यदि आपका नाम इसमें नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए और यदि आपने इस पर पोस्ट नहीं किया है तो क्या करना चाहिए। रिफंड लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी और साथ ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक, आप वहाँ से BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। इसमें कॉलेज की लिस्ट डाल रखी है और स्टूडेंट की भी लिस्ट डाल रखी है। BSc नर्सिंग वाले यहाँ से, MSc वाले यहाँ से और पोस्ट बेसिक वाले यहाँ से अपनी लिस्ट डाउनलोड करके अपना नाम देख सकते हो। अब डिस्कस कर लेते हैं पहले तो उनके बारे में जिन्होंने स्पीड पोस्ट करने में देरी कर दी, यानी कि उन्होंने अभी तक भी स्पीड पोस्ट नहीं किया है, और बाद में बात करेंगे जिन्होंने स्पीड पोस्ट तो कर दिया लेकिन इस लिस्ट में नाम नहीं है तो इनको क्या करना चाहिए। पहले जिन्होंने स्पीड पोस्ट ही नहीं किया है तो आपके पास अब एक ही ऑप्शन है, आप RHS जाके अपने डॉक्यूमेंट्स बाय हैंड जमा करा सकते हो। इसकी स्पीड पोस्ट करने की जो लास्ट डेट थी वो निकल गई है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट है जो वहाँ पे ऑफलाइन बाय हैंड जमा करवा रहे हैं और वहाँ पे जमा कर भी रहे हैं, तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हो। काफ़ी बच्चे कॉल कर रहे थे कि सर हमने स्पीड पोस्ट नहीं किया तो क्या करें, तो आपके पास अब वहाँ पे जाके जमा करा सकते हो। देखो डेट निकल गई है, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते क्योंकि डेट निकल चुकी है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जाके जमा करवाएं। काफ़ी बच्चे हैं जो डेट निकलने के बाद भी वहाँ पे जमा करवाए हैं, तो हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे जमा हो जाए। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए तो आपको रिफंड होगा, अन्यथा आपको रिफंड नहीं होगा। रिफंड केवल उन्हीं बच्चों को होगा जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, और उन बच्चों को भी होगा जिनको कॉलेज अलॉट तो हो गया था लेकिन ज्वाइन नहीं किया था। जिनको अलॉट हो गया था उनको 9,000 रुपये और जिनको अलॉट ही नहीं हुआ था उनको 10,000 रुपये मिलेंगे। जिनको अलॉट हो गया और ज्वाइन भी कर लिया उनको पैसा रिफंड नहीं होगा। अब बात करते हैं इस लिस्ट में आपका नेम नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। इसकी मेन वजह है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो देरी से वहाँ पे पूछे होंगे, और पूछे है या नहीं भी पूछे इस बात की पुष्टि आपने की है या नहीं की। आपने यदि डॉक्यूमेंट्स पहले ही स्पीड पोस्ट कर दिए थे, जो डेट थी एक्सटेंड होने से पहले डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे, तो आपको इस लिस्ट में नाम मिल जाएगा। और यदि नहीं भी मिलता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके जो पैसे थे काउंसलिंग के 10,000 रुपये वो आपको रिफंड होंगे। इस लिस्ट में BSc जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, BSc नर्सिंग वाले, उनमें 324 बच्चों को अभी रिफंड हुआ है, बाकी बच्चों को अभी रिफंड नहीं हुआ, तो उनको भी रिफंड होगा। अभी फर्स्ट लिस्ट जारी की है, सभी BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, इन सभी की फर्स्ट लिस्ट जारी की है, जल्दी ही सेकंड लिस्ट भी जारी करेंगे। सेकंड लिस्ट में आपका नाम मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको ट्रैक करने के लिए इंडियन पोस्ट की वेबसाइट पर जाके आपको पता करना होगा। आप जैसे ही वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ट्रैकिंग ID लगानी होगी, और ट्रैकिंग ID लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जो भी आइटम आपने सेंड किया है वहाँ पर डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ। यदि आपका आइटम जो भी आपने सेंड किया है वहाँ पे डिलीवर हो गया तो आप घबराओ मत, आपको पैसा रिफंड होगा। दूसरी वजह रही है जो बच्चे लेट स्पीड पोस्ट करे थे उनको भी इस लिस्ट में नाम नहीं मिलेगा, तो वो भी घबराए नहीं, आपको
सेकंड लिस्ट आएगी उसमें आपको नाम मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। देखो सेकंड लिस्ट भी जल्दी जारी कर देंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैसा आपका पूरा सेफ है, रिफंड होगा। आप ये कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आपको रिफंड हुआ या नहीं हुआ। यदि रिफंड हुआ है तो आप लिखना कि सर मुझे रिफंड हो गया है, मैंने इतनी तारीख को स्पीड पोस्ट किया था। यदि रिफंड नहीं हुआ है तो आपको लिखना है मैंने स्पीड पोस्ट कर दिया है लेकिन मुझे रिफंड नहीं हुआ, मैंने इतनी तारीख को स्पीड पोस्ट किया था। आप मेरे से जुड़े हुए हो इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।